हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाए हैं, तो आप उसको मेरे चैनल में देख सकते हैं और आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको वो चीज़ पसंद आए। ठीक है, तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए। कुछ फोटोग्राफ होना चाहिए, अट्रैक्टिव फॉन्ट्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, और मेनली इसमें कुछ ऐसा पंच लाइन होना चाहिए जो कि कस्टमर को मेनली अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूँ कि आप मेनली एक डेली नीड्स के मर्चेंट है और आप अपनी नई शॉप जो है वो कस्टमर्स के बीच में आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो पेपर में आप उसका एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो है वो आप देना चाहते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड आप कुछ पोस्टर्स वगैरह भी जो हैं वो आप बना करके आप लगाना चाहते हैं, तो उस डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का जो है फॉर्मेट जो है वो आप बनाइए। तो देखिए, जैसे इसमें मैंने क्या किया है कि जिस नाम से मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ उसको मैंने सेंटर में लिखा है। जिस नाम से आप शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर आपकी कोई भी दूसरी चीज़ की शॉप है, उसका जो बेसिकली जो नेम है वो हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि जिस नाम से शॉप ओपन कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सत्यम डेली नीड्स। ठीक, क्वेश्चन पेपर में अगर कोई आपको नाम दिया जाता है ना, तो आप उसी को लिखेंगे। अगर नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपको नाम समझ में आ रहा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सत्यम डेली नीड्स। फिर उसका मैंने लोगो बना दिया एस करके, है ना, जैसे उसको और अट्रैक्टिव दिखे लोगों को। ठीक है, मेरा एडवर्टीजमेंट जो है लोगों को और अट्रैक्टिव दिखे, तो मैंने उसका एक लोगो बना दिया। ठीक, अब क्या है, आपको अपने जो शॉप है उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या हाईलाइट करना चाहते हो आप अपने शॉप से रिलेटेड, वो चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है। जैसे मैंने लेफ्ट में मेंशन किया एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, मतलब डेली नीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ए टू जेड जो है वो मेरे शॉप में अवेलेबल है। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया वी हैव ऑल योर नीड्स अंडर वन रूफ। ठीक है, मतलब डेली नीड्स जैसे दाल दलहन वगैरह हो गई, साबुन वगैरह हो गई, ये सब अपने डेली नीड्स में आते हैं, तो डेली नीड्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो कस्टमर को एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। ये मैंने हाईलाइट किया है, बिकॉज क्या रहता है, कस्टमर को कई बार रहता है एक सामान नहीं मिल रहा तो एक दुकान में जाओ, एक सामान नहीं मिल रहा है दूसरी दुकान में जाओ, बट डेली नीड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कस्टमर को मेरी शॉप में एक छत के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे दुकान में क्या स्पेशलिटी है, कस्टमर को क्यों आना चाहिए, कस्टमर कैसे अट्रैक्ट हुए, तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो अपने शॉप से रिलेटेड जो हैं वो मैंने लिख दी। ठीक, फिर उसके बाद मैंने एक ऐसा लाइन लिखा जो कि कस्टमर को बेसिकली अट्रैक्ट करता है। मैंने पहले बोला डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में किसी तरीके का पंच लाइन होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर को बेसिकली अट्रैक्ट करे, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिख दिया होम डिलीवरी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक, इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट पे अगर आप चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 500 रुपीज़ से ऊपर की कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसकी होम डिलीवरी भी कर दी जाती है, उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद आपके शॉप का एड्रेस, ये एड्रेस अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो बेशक आप उसको लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है शॉप नंबर 12 and 13 गोरखपुर जबलपुर, क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी एड्रेस दिया हुआ है यू कैन जस्ट मेंशन दैट। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, शॉप की टाइमिंग। ठीक है, कि शॉप ओपन कितने बजे हो रहा है, शॉप क्लोज कितने बजे हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्टोर ओपन 7 AM to 10 PM, इसका मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है ये जो शॉप है ये ओपन रहेगी। ठीक, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप वो लिखेंगे, नहीं तो फिर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर समझ में आए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और चीज हाईलाइट किया है स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेफिनेटली ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी है
जिसको देख करके कस्टमर आपकी दुकान में पहुंचे, या फिर वो आपकी दुकान ढूंढता हुआ आए, या फिर वो आपके दुकान से अट्रैक्ट हुए। तो मैंने यहाँ पर और एक बार क्या हाईलाइट कर दिया कि स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ लेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो इसी तरीके से होता है। आप मेनली जो भी शॉप ओपन कर रहे हैं या कुछ भी आप ओपन कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, या फिर उसको आप कस्टमर के बीच में आप लाना चाहते हैं, सोसाइटी में लाना चाहते हैं, लोगों के बीच में आप लाना चाहते हैं, तो उसका जो मेन नेम है उसको आपको यहाँ पर हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर कोई भी आप पंच लाइन या कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं जो कि मेनली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, आपके शॉप में आने के लिए अट्रैक्ट करें। फिर उसके बाद आप अपने शॉप की क्वालिटी बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है, मतलब डेली नीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ए टू जेड वो मेरे शॉप में अवेलेबल है। फिर मैंने एक बार अट्रैक्टिव लाइन यहाँ पर लिख दी कि कस्टमर्स की जो भी नीड्स हैं वो उनको एक छत के नीचे जो है वो मिल जाएगा, उनको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। आजकल लोग चाहते हैं कि वो एक ही दुकान में जाएं और उनको उनकी ज़रूरत के सारे सामान मिल जाए। उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एड्रेस मेंशन कर दिया। मैंने आपसे पहले भी बताया कि एड्रेस अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है तो आप उसको मेंशन करिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दिया। स्टोर ओपन और बंद कब होगा, ठीक है, कस्टमर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेनली यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि स्टोर ओपन और स्टोर क्लोज का समय क्या है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन पेपर में अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो मेनली आप उसको लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक बार हाईलाइट क्या कर दिया कि स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि मेरी शॉप में कोई भी आएगा, ठीक है, तो उसको कोई भी प्रोडक्ट वो लेगा तो उसमें उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके का होता है बच्चों डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, क्लियर। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको आप ये देखिएगा कि उसमें आपका मेन क्या है, क्या किस नाम से आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी शॉप आपको ओपन करना है, प्लस उसमें आप जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको आप ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि आपके शॉप की ये क्वालिटी है या जो शॉप आप ओपन करने के लिए जा रहे हैं उसकी ये क्वालिटी है, तो डेफिनेटली मेंशन दैट, ठीक है, उसको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपके दिमाग में डेफिनेटली ये आना चाहिए कि उसकी ओपनिंग टाइम क्या है, उसकी क्लोजिंग टाइम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसको आप मेनली बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे, ठीक। उसका पंच लाइन जो है या फिर कुछ ऐसा जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे वो आपको डेफिनेटली मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया होम डिलीवरी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। फिर मैंने यहाँ लिख दिया स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट लेंगे उसमें डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर कोई दूसरा अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हैं या फिर इसमें कोई कार्टूनिस्ट फॉन्ट आप बना सकते हैं। जितना अट्रैक्टिव आप अपने डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को बनाएंगे या फिर आप जितना अपना ब्रेन यूज़ करके क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से लिखा हुआ है उन सारी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट समझने के लिए। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।